ग्वालियर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के सुसाइड मामले में नया खुलासा हुआ है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने लोगों की ब्लैकमेलिंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने महिला पुरुष डॉक्टर सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर झूठे केस में फंसा देने की वो धमकी देते थे। आरोपियों ने धमकी देकर 10 लाख रुपए तक पैसे ऐंठे। मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट को लेकर पुलिस जांच कर रही थी। वहीं पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर 10 लोगों पर मामला दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर निवासी जय श्री राम मजौरिया रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे और 22 नवंबर को अपने घर की 4वीं मंजिल पर बने कमरे में फांसी पर लटक जाने की बात जो है उन्हें लोगों को पता चली। ये पिछले महीने थाना गोले के मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के द्वारा सुसाइड कर लिया गया था पंखे से लटक के, और सुसाइड करने के बाद फिर इसमें मर्ग कायम किया जाकर इसमें इंक्वायरी चल रही थी और इंक्वायरी में फिर स्टेटमेंट्स लिए गए और सुसाइड नोट भी जब्त हुआ था। उसके आधार पर कल थाना गोले के मंदिर पर IP सेक्शन 306 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें जो बात सामने आई है वो उस बयानों के आधार पर उसमें 10 आरोपी बनाए गए हैं जिनके द्वारा उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है और इसमें उसके पैसे मांगते थे, उसको ब्लैकमेल करते थे, कहीं उसे उसके केस में जो फर्जी जो 376 केस फंसा देंगे, इस तरह की बात आई है।